हेडलाइन देखकर शायद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि जब बात रवि किशन यानी गोरखपुर की सांसद रवि किशन शुक्ल की आती है तो वहाँ यह एक नज़रिया हो जाता है लोगों का कि यह एक देशभक्त कैरेक्टर है, यानी खुद अभिनेता के रूप में जाने जाने वाले रवि किशन देशभक्ति को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक शहीद के कार्यक्रम में जाने पर टिकट के पैसे मांगने की बात कुछ हजम नहीं होती। बिल्कुल, तो कुछ हम सुनाते हैं आपको एक ऐसा ऑडियो जिसमें एक व्यक्ति है जो रवि किशन शुक्ल का खुद को पीए बता रहा है, और उसके साथ ही साथ जौनपुर के जलालपुर स्थित इजरी गांव के शहीद जिलाजीत यादव के याद में एक मैराथन दौड़ दौड़ की प्रतियोगिता कराई गई थी, जहां पर अतिथि के रूप में वहां के कुछ नवयुवक चाहते थे कि रवि किशन आकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं और साथ ही साथ वहां के लोगों को शहीद जिलाजीत यादव के बारे में दो शब्द कहकर उनका गौरव बढ़ाएं। इस पर उन्होंने संपर्क के माध्यम से, या कह सकते हैं कि कुछ गलत कांटेक्ट के माध्यम से, एक व्यक्ति से संपर्क किया। उसके साथ क्या बातचीत हुई और रवि किशन के नाम पर उसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो। क्या सांसद जी को बुलाना है? बात मेरी हो गई है। हाँ भैया, हम लोग तो बड़ी इच्छा थी, मतलब वो आए, लेकिन जैसे वो पैसे वाली जो बात पड़ रही है, क्योंकि सारे बच्चे चंदी चंदा लगा करेंगे भैया, इस पैसे जो तो इस बार नहीं। प्रस्ताव, जो बात है वो सीधा स्पष्ट है, उनको आने जाने का पूरा आपको देना पड़ेगा ट्रेवल। नहीं तो इस बार तो वही सब बच्चे बोल रहे हैं कि अब इसमें तो थोड़ा सा मैं भी व्यस्तता था, तो बोले अगली बार थोड़ा सा जब गेम होगा तब उनको करवाया जाएगा, इस बार तो पैसे वैसे देना क्योंकि भारी पड़ जाएगा। फिर क्यों बार बार फोन करके हम बोल रहे हैं हो जाएगा, करवा लीजिए ऐसा है। क्योंकि इस बार लंबा प्रोग्राम है, चंदा वसूल के खुद ही कर रहे हैं सारे बच्चे। नहीं तो जबान कटती है ना यार, इसलिए मैं वो उनको बोला, मैसेज दिया, तो अभी उधर सामने से रिप्लाई आया, भाई ओके ठीक है। अब रो रो चंदा सब बच्चे काट रहे, बोलेंगे कि भैया अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप वहां दे रहे हैं पैसे। भाई वो तो फिर अब ये सब चीज, भाई सेलिब्रिटी बुलाओगे, हर चीज बुलाओगे तो हर चीज एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा ना। बोलिए, कहते जा आइए, अब हमारे क्षेत्र के सांसद हर चीज इतने बड़े हैं, तब उनको पैसे देकर टिकट करवाएंगे सब बच्चे, तभी एक गलत संदेश जाएगा ना। अरे वार सांसद नहीं, वो इंटरनेशनल हीरो है, इंटरनेशनल हीरो का सांसद, वो भी आदित्य योगी नाथ के जो मेन उनके जिले के सांसद है, एक और समझ लीजिए ठीक उनका है अध्यक्ष, भैया, मतलब एक लेकिन सीएम, हम लोग सीएम माना जाता इसलिए थोड़ा सा इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में आए लोग, सारे लोग उनको जाने सुने, और थोड़ा सा मतलब हमारे यहाँ से चुनाव लड़े तो थोड़ा अच्छा रहता। है। हेलो। हेलो। हाँ सर, आप सांसद जी के पीए बोल रहे हैं आप कौन? जी? मैं पत्रकार शिवम उपाध्याय बोल रहा हूँ, कहाँ से? जी जौनपुर से बोल रहा हूँ। सर बताइए। सर, क्या सांसद जी किसी देशभक्ति वाले कार्यक्रम में, किसी शहीद के कार्यक्रम में जाने के लिए पैसे टिकट लेते हैं, टिकट का पैसा? कौन सी? किसी शहीद के कार्यक्रम में जाने के लिए, शहीद के कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट का पैसा लेते हैं? नहीं तो नहीं, आपने तो ऐसा बोला था कि टिकट नहीं, आने मैं जाने का पूरा। भी सुनिए सुनिए, मैं भी सुनाइए, मीडिया से हूँ, मैं चाहे भी जहाँ से हो, मीडिया आपने बोला था ना, नहीं बोला होता तो मैं से। काहे फोन करता? कौन फोन किया आपको, बताया कौन है सर? मैं चाहे जो बताए, हम काहे बताएं आपको? नहीं बताना पड़ेगा सर, क्यों? नहीं, आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही होगा, हमारे क्षेत्र के सांसद थे, मतलब हमारे यहाँ के रहने वाले अरे थे। मेरे आपके क्षेत्र के, हमारे भी क्षेत्र के सांसद जी हैं। आपके क्षेत्र के होंगे, हम जौनपुर से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर उन्होंने, मैं भी सर सुनिए पहले जौनपुर बात बात सुनिए आप, जी अगर उन्होंने खुद से ये कहा है तब तो भैया वो, अगर आपने अपने मन से बनाया है तो वो भी बता दीजिए। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है, और एक्चुअली उनके पास टाइम नहीं है प्रोग्राम तो फिर ये सीधा आपको बोल देना चाहिए ना कि टाइम नहीं है। आपने ये क्यों, कहा कि आने जाने के लिए टिकट का पैसा लगेगा? टिकट का पैसा नहीं, टिकट का पैसा नहीं लगता सर, वो अपने व्यवस्था से आते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जैसे कि उनको यहाँ सिस्टम में, यहाँ प्रोटोकॉल व्यवस्था होती है, हमें उनका पूरा सिस्टम लगता है, जो आने जाने के लिए पूरा यहाँ सिस्टम बनाया जाता आपने सिस्टम जो बनाने के लिए आपने कहा वो ठीक है, सिस्टम हम बनवाते, लेकिन आपने पैसे के कैसे कह दिया कि आपने सीधा उसमें बोला है पैसे के लिए कि आप आने जाने का करा कौन? दीजिए। नहीं ऐसा कोई बात आप नहीं। उसके बाद उसमें बोले हैं कि ये सांसद नहीं, इंटरनेशनल हीरो भी हैं, ये भी बोले हैं कौन बात? कौन
आप बोले ये बात, वो तो इंटरनेशनल हीरो है या उसमें कौन सी बात है। हाँ तो ये आप उस लहजे में बोले हैं कि इनके लिए हम टिकट करा दें, इस लहजे में बोले हैं। ठीक है भाई, सुनिए आप हमारी एक बात, एक मिनट सुन लीजिए। आप नेती नेता हैं, पीए हैं, कुछ हैं, वो उससे हमसे नहीं मतलब है। दूसरी बस एक बात हमारे ध्यान से सुनिएगा। हमारे गांव का लड़का पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुआ, मेरे गांव का लड़का, बगल का, ठीक। उसकी याद में हमने टूर्नामेंट कराया था, हमने सोचा अपने स्थानीय नेताओं को बुलाएंगे, गर्व से हम इसकी याद में टूर्नामेंट करा देंगे। लेकिन इस तरीके का आपके द्वारा दिया गया रिप्लाई हमारे मन को गदगद कर गया। बहुत ही शानदार आपने किया काम। मेरा भी निवास है, मेरा भी वहाँ ननिहाल है, सही जलालपुर मेरा ननिहाल है। मैं भी ये सोचता हूँ मगर वहाँ पे समस्या ये तो एक मिनट सर, शहीद सुनिए, जिसके घर का बेटा जाता है और जो अगर क्षेत्रवासी उसमें मिलकर करते हैं तो उसमें नेताओं को सहयोग करना होता है, उसमें इस तरीके का वार्तालाप नहीं किया जाता कि टिकट का पैसा करा दीजिए। एक मिनट, एक बात ये हो गई। दूसरी बात सुनिए पीए सर, कोई बात नहीं है, नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चली सर? झूठ मैं नहीं बोलता, हमें कैसे पता चली कि ये सब बातें हुई हैं? आपसे कहे चाहे कोई कहेगा तब ना आपको जानकारी होगी। हुआ ना जानकारी हमें, चाहे जैसे हुआ। दूसरी बात ये, मेरे पास पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब कि वो हमें जो ये बातें सुनकर हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल नहीं किया जाता है भाई, जो सच्चाई है वो है। और मैंने रवि किशन को भी ट्वीट किया है इस चीज को, अभी मैं फेसबुक पर भी ये डालने वाला हूँ। और इसके बाद भाई अगर सांसद जी इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि वो कहीं भी आने जाने के लिए फेयर लेते हैं वहाँ के आयोजकों से, या किसी शहीद के कार्यक्रम में जाने के लिए आयोजकों से फेयर लेते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यदि ये आपके द्वारा बनाया गया है पूरा, ये पत्रकार जी मेरी बात सुनिए पहले, ये मुझसे ये क्या बोले कि मैं यहाँ पे बच्चों को मैराथन दौड़ करवा रहा हूँ, मुझे एक बार मुझे कम से कम आज एक डेढ़ महीने से मेरे पास ये कॉल कर रहे हैं। सही किए ये मेरे, हमारे पास ये मेरे मित्र हैं केशव पंडित जी हैं। पहले कोई भी हो भैया, केशव पंडित हो, कोई भी हो, लेकिन जिस जो आपने बोला है उसमें मैंने सुना अपने कानों से, तब मैंने आपको फोन किया। वो तो मतलब आपसे सुनवा रहे हैं, पहले वो खुद ही हमसे बोले मतलब कि कहें कि यार उनका जो दाज होगा, खर्चा होगा, वो करना होगा, हमसे देखिए खर्चा वर्चा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो आपने बोला है वो उसमें है। अगर आपके अगर अगर सुनिए एक मिनट, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो आप भी बताइए क्या बोला है उन्होंने। दूसरी अब ये सब छोड़ दीजिए ना, ये सब छोड़ दीजिए, आपने जो बोला है मैं सुना हूँ। पीए सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब ध्यान से बस मेरी बात सुनिए आप। मेरे क्षेत्र का लड़का था और आज के बाद मैं किसी भी सांसद को नहीं बुलाऊंगा इस तरीके का, जो अगर उसमें पैसा की मांग की जाएगी। दूसरी चीज ये कि मैं इस आईडियो को मैं अभी रिलीज करूंगा कुछ ही देर में। आप लोग जो है कि जनता में असंतोष फैला रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनेंगे कि सब अपनी बात ही कहते चले जाएंगे। सर इसमें जो है रोष भी है, गुस्सा भी है, और उसके बाद ये मिथक भी है हमारे साथ कि हम कितना लोकप्रिय नेता को चुन रहे थे ये सोचने के लिए कि ये हमारे राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करेगा। लेकिन इस तरीके का आप बहुत ही घटिया सोच है सर। उससे आप पूछ तो लीजिए। कुछ नहीं सर, मैंने वो आइडियो क्लियर करता है कि आपने किस लहजे में बात की। आपने कहा कि बात कट जाएगी, एक एक आपने कहा है कि अगर उनको नहीं बुलाया गया तो बात कट जाएगी, और उसके बाद आपने उस व्यक्ति उसके बाद उनको आपने ब्लॉक कर दिया। सुनाइए आप अपनी बात, क्या कह रहे हैं आप? सुनाइए आप क्या कह रहे थे, आपके सुनाइए। अरे मुझसे दो तीन बार फोन किए, हम कहे देखिए वो अभी बिजी है नहीं आ पाएंगे, तो मैंने जो सिस्टम देखे मैंने सोचा कि भैया आ सकते हैं, बोले कि भैया तो नहीं आ पाएंगे, तो अगर यहाँ गोरखपुर रहते तो आ जाते। हो गया आपका, इसमें टिकट के पैसे कराए, टिकट कराने वाली कौन सी बात हो गई? कौन टिकट कराने की बात कर रहा है? आप कर रहे हैं सर। अरे मैं क्यों करूंगा भाई, नहीं कहे हैं, नहीं किए हैं। ठीक है सर, आप नहीं किए तो मैं उस आईडियो को रिलीज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद यानी ऑडियो को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ एक पत्रकार ने बात की है और दूसरे तरफ आयोजक ने बात की थी, जिस पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सांसद जी को यानी कि रवि किशन का जिक्र हो रहा है वहाँ पे, कि उन्हें भेजा जाए इस कार्यक्रम में या उन्हें न्योता दीजिए कि हम उनको बुलाना चाहते हैं। और सामने वाला लगातार उनसे टिकट के पैसों की मांग कर रहा है और साथ ही साथ यह भी जिक्र कर रहा है कि यदि आप अब इस वक्त उनको बुलाने के लिए मना करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं बात कटेगी। इस पूरे ऑडियो को सुनने के बाद हम लोगों को भी इसका तहकीकात करने का मौका मिला, जहां पर हमने रवि किशन के कार्यालय पर संपर्क किया
और कार्यालय में संपर्क करने के बाद जो सच सामने आया वह कुछ इस प्रकार था कि यह व्यक्ति जो कि रुद्र के नाम से जाने जाते हैं और वह यह अभिनेता यानी इनके पुत्र या यह अभिनेता बनने की कोशिश में रवि किशन से मुलाकात किए थे, जिसके अलावा इनका कोई भी संपर्क नहीं रखा गया है अभिनेता के द्वारा यानी सांसद गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन के द्वारा, और साथ ही साथ रवि किशन से इनका कोई पर्सनल असिस्टेंट और पीआरओ का कोई भी इनसे लेना देना नहीं है। और रवि किशन के कार्यालय से यह बात स्पष्ट रूप से हुई है कि यह जिस प्रकार से वार्तालाप किया गया है यह कार्रवाई योग्य है, जिस पर वह भी इस ऑडियो को लेकर इन पर कार्रवाई करेंगे। द ATI न्यूज़ के जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।